हेलो गाइस, मैं रंग विधि जमनी जी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे कुछ रूमर्स के बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में, बात करेंगे कुछ हॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज के बारे में कि कौन सी इन हिंदी में आ रही है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिचर्ड के बारे में। रिचर्ड को अभी हाल ही में द इंटरनल मूवी में कास्ट करा गया है, जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी है। अब इनकी कुछ सेट इमेजेस आई हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये इंटरनल्स की हैं या एक टीवी प्रोडक्ट एड शूट की हैं, पर जैसी कोई कंफर्मेशन आ जाता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ऑफिशियली कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में। आप सभी ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम तो देख लिया होगा। अब इस मूवी में हमें कुछ विलेंस दिखाए गए थे जो कि मिस्टीरियो के बनाए गए थे, और वो एक इल्यूजन था। तो उन इल्यूजन की कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं था, पर इन कॉन्सेप्ट आर्ट में कंफर्म हो जाता है कि उनका एक स्ट्रक्चर दिखाया जाना था जो कि हमें मूवी में नहीं दिखाया गया। जी हाँ, अब जिसमें कि आप कह सकते हो हाइड्रोमैन जो कि एक इल्यूजन था, सैंडमैन वो भी एक इल्यूजन था, मोल्टन मैन वो भी इल्यूजन था, जो कि काफ़ी कमाल का और खतरनाक लग रहा था। तो अगर आपको ये चाहिए डाउनलोड करने हैं तो मेरे ट्विटर अकाउंट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं आयरन मैन के कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में, जो कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ऑफिशियली कॉन्सेप्ट आर्ट है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब स्पाइडरमैन का ट्रेलर आता है और जब मूवी हमें देखते हैं तो स्पाइडरमैन एक दीवार पर बैठा होता है, जहाँ पर एक वॉल पर स्पाइडरमैन का पोस्टर बनना होता है। तो ये वही पोस्टर है जो कि हमें मूवी में दिखाए जाने थे और भी अलग अलग जगह पर नहीं दिखाए गए, और ये सारे पोस्टर उसकी याद में बनाए जाते हैं जब आयरन मैन मर जाता है। तो ये काफ़ी कमाल के पोस्टर हैं, और देन ये मूवी में इंक्लूडिंग नहीं करे गए और डिलीट कर दिए गए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा ये फुल एचडी में अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी कमाल के हैं। अब बात करते हैं सुसाइड स्क्वाड की मूवी के अपडेट के बारे में और सेट इमेजेस के बारे में। तो फाइनली सेट इमेजेस सामने रिवील्ड हो चुकी हैं और हमें नए नए कैरेक्टर देखने को मिले हैं, जिसमें कि एक कैरेक्टर तो बिल्कुल एक्वामैन जैसा लग रहा है। अब उन कैरेक्टरों के मुझे नाम तो पता नहीं है, पर एक कैरेक्टर दोबारा से रिटर्न भी हुआ है जिसका नाम है कैप्टन बूमरैंग। तो काफ़ी कमाल का कैरेक्टर है। पहले पार्ट में ये था काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियन और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो रिक्सी टाइप का था। जी हाँ, इसे फ्लैश ने पकड़ा था, अगर आपको ध्यान भी होगा सुसाइड स्क्वाड के पार्ट वन में। तो काफ़ी कमाल का है। अब ये चीज़ कन्फर्म नहीं हुई कि ये मूवी कितना कंटिन्यूस करेगी सेकंड पार्ट से लेके पहले पार्ट तक के लिए, और जो डीसी यूनिवर्स की जितनी मूवीज भी हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कन्फर्म नहीं हुआ है कि जेम्स गन की जो मूवी आ रही है सुसाइड स्क्वाड वो पहले आ रहे पुराने वाले पार्ट से या पुरानी वाली मूवी से कंटिन्यू होगी या नहीं, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। पर हमें जो नए कैरेक्टर देखने को मिले हैं, जो नई टीम देखने को मिली है सुसाइड स्क्वाड की, वो काफ़ी कमाल की है। और जो ब्लू और येलो वाला जो कैरेक्टर है उसके बगल में जो लड़की खड़ी हुई है, इनकी तो कैरेक्टरों के नाम भी नहीं पता मुझे, पर काफ़ी कमाल का लग रहा है और मेरे हिसाब से ये मूवी हिट भी जाएगी। अब बात करते हैं ब्लैक विडो से रिलेटिव अपडेट के बारे में। तो ब्लैक विडो के कुछ कॉन्सेप्ट पार्ट लीक हो चुके हैं, जिसमें कि ब्लैक विडो की हमें फुल कॉस्ट्यूम देखने को मिल रही है, उसके हाथ में जो वेपन देखने को मिले हैं वो भी काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। अब ये कॉस्ट्यूम अब तक की जितनी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज आई हैं उनमें से सबसे अलग है। जी हाँ, उसकी जो ओरिजिन मूवी का कॉस्ट्यूम है हमें इसमें वो देखने को मिलेगा, और सभी को पता है कि ब्लैक विडो का व्हाइट सूट भी देखने को मिलेगा, तो वो भी काफ़ी कमाल का होने वाला है। और साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट आर्ट में हमें टास्क मास्टर का भी कॉस्ट्यूम देखने को मिला, जिसके हाथ में एक शील्ड और एक तलवार भी है। तो आपको बता दूं ये बिल्कुल सेम पोजीशन कैप्टन अमेरिका भी की है, आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ऑफिशियली मिस्टीरियो के कॉन्सेप्ट आर्ट के बारे में। आपको शायद यकीन नहीं होगा पर मिस्टीरियो पे अपना खुद का एक हल्कबस्टर आर्मर टाइप का सूट था, जो कि मूवी में लाना था पर कैंसिल कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। पर ये कॉन्सेप्ट आर्ट से कन्फर्म हो जाता है कि मिस्टीरियो एंडिंग में और भी खतरनाक फाइट करने वाला था। अब उसका ये हल्कबस्टर आर्मर सूट काफ़ी कमाल का होने वाला था, तो ये कॉन्सेप्ट आर्ट से देख के पता चल जाता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये भी चाहिए या डाउनलोड करने मोबाइल वॉलपेपर के लिए, तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट इंस्टाग्राम पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, वरना आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। अब बात करते हैं डे जॉनसन की नई अपकमिंग मूवी जंगल क्रश, जो कि जुलाई 24, 2020 को रिलीज होने वाली है और काफ़ी कमाल की मूवी है। इसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अब बात करते हैं डैमेज कंट्रोल के बारे में। तो डैमेज कंट्रोल का एक नया पोस्टर लॉन्च करा गया है, ये एक वर्चुअल रियलिटी वीआर के लिए है, अगर जो वीआर यूज़ करते हैं ये उनके लिए गेम आया है, तो काफ़ी कमाल का है। नेटफ्लिक्स की रैटल स्नेक मूवी इन हिंदी में लॉन्च होगी, काफ़ी कमाल की मूवी है। जब ये लॉन्च होगी मैं आपको इसकी रिलीजिंग डेट भी बता दूंगा, काफ़ी कमाल की मूवी है, देखना ज़रूर। उसी के साथ अब बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के बारे में। तो फाइनली इनके डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि हॉप रिटर्न होगा, और वो भी उन्होंने लाइव अपडेट दिया एक कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान। और साथ ही साथ इससे रिलेटिव एक और काफ़ी कमाल का अपडेट ये है कि स्ट्रेंजर थिंग के जो राइटर हैं, जो कि इसकी स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं, वो कुछ ही दिनों बाद एक सीजन 4 का क्लू देने वाले हैं, और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ऑफिशियली कंफर्म करा ये इमेजेस डाल के, अब जाके खुद भी चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ प्रेडिक्शन के बारे में। तो ब्लैक विडो वर्ल्ड वाइड 900 से 950 मिलियन कंप्लीट कर लेगी, ये एक प्रेडिक्शन है फैंस की, पर मेरे हिसाब से शायद 1 बिलियन कंप्लीट कर लेगी।
आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं, ब्रिन लेंसन ने यह बोला है कि कैप्टन मार्वल 2 से पहले उन्हें एफोर्स टीम वाली मूवी चाहिए, यानी कि फीमेल सुपर हीरो एवेंजर मूवी। और उसी के साथ एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है गॉडज़िला का, टाइटंस का। जी हाँ, आपको पता होगा 2020 में एक मूवी आने वाली है जिसमें कि हमें टाइटंस भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जंगल क्रश जो मूवी आने वाली है वो हिंदी, तमिल, तेलुगु में और मलयालम में भी रिलीज होगी। तो जुलाई 2020 को धमाका होने वाला है, जंगल क्रश काफी कमाल की मूवी होगी। टॉम हार्डी ने एक अपडेट दिया काफी कमाल का, वो कह रहे हैं कि वेनम 2 में स्पाइडरमैन भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, यानी कि टॉम होलैंड वाला कैरेक्टर। एडम फैमिली को फाइनली सिनेमा स्कोर B+ मिला है। ये एक हॉरर और कॉमेडी मूवी है, देखना जरूर। और साथ ही साथ जिमी मैन, जो कि एक काफी कमाल की मूवी है बिल स्मिथ की, इसे भी B+ मिला है। पर इस मूवी के रिव्यू बहुत ज्यादा डाउन गए हैं, लोगों ने इसे पसंद नहीं करा है। आपको कैसी लगी मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ऑफिशियली सूट के कौन से पार्ट के बारे में। तो ये कौन सा पार्ट काफी ज्यादा कमाल के हैं, जिसमें कि हमें नए नए सूट देखने को मिले। और आपको बता दूं, ये सूट शायद मूवी में दिखाए जाने थे पर ये भी नहीं दिखाए गए और काफी कमाल के लग रहे हैं। अगर आपको चाहिए, अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, मेरे ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम पे डले हुए हैं, अब जा आराम से आके डाउनलोड करो। अब बात करते हैं एक नए अपडेट के बारे में जो कि आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, तो सबसे पहले डिज्नी प्लस पे एक टीवी सीरीज लॉन्च होने वाली है, वांडा विजन। अब स्कारलेट विच के विजन के बच्चे भी होने वाले। जी हाँ, अब ये कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं हुआ है पर एक रूमर आया है कि 2 बच्चे हमें देखने को मिलेंगे स्कारलेट विच के, जो कि काफी कमाल के होने वाले, जो कि एक तेज दौड़ भी सकता है और एक हाथों से जादू कर सकता है। तो एक फीमेल और एक मैन यानी गर्ल बॉय पैदा होंगे। अब बात करते हैं एक डिलीट सीन के बारे में। तो जस्टिस लीग मूवी में एक ऐसा सीन था जिसमें कि वंडर वूमेन एक रिसर्च पे जाने वाली थी, एक म्यूजियम में जाने वाली थी, जिससे वंडर वूमेन को पता चलता है कि वहां पर डार्क साइड की पूरा इतिहास है। जी हाँ, तो एक ऐसा सीन था जस्टिस लीग में पर वो डिलीट कर दिया गया। और आप जैसा कि मेरी वीडियो में इमेजेस देख रहे हो, ये एक्चुअल में वही इमेजेस हैं जो कि हमें मूवी में दिखाई जानी थी पर नहीं दिखाई। अब बात करते हैं जोकर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फाइनली जोकर ने 500 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है और ये मूवी अभी तक थिएटर में चल रही है और लोग इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिज्नी प्लस की शी हल्क के बारे में। तो फाइनली शी हल्क के लिए कास्ट देखी जा रही है और रूमर ये आ रहा है, जो पुरानी वाली दी इनक्रेडिबल हल्क मूवी थी जिसमें की बेटी रॉस और थंडरबोल्ट रॉस, जो कि दोनों कैरेक्टर काफी कमाल के थे, ये दोनों ही कैरेक्टर रिटर्न होंगे और बेटी रॉस ही शी हल्क का रोल प्ले करने वाली हैं। अब ये एक रूमर है, कोई ऐसा ऑफिशियल कंफर्म नहीं है। डीसी की डूम पेट्रोल का सीजन 2 नवंबर से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसकी ऑफिशियली जब सेट इमेजेस आएंगी तो मैं ट्विटर अकाउंट पर डाल दूंगा, पर नवंबर से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो रही है। क्रॉक, जो कि डीसी का सुसाइड स्क्वाड का कैरेक्टर है, इसका काफी ज्यादा मुश्किल चांस है कि ये रिटर्न होगा, पर अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, शायद रिटर्न भी हो सकता है। ब्री लैंसर यानी कि कैप्टन मार्वल और यानी कि थेसा थॉम्पसन यानी कि हमारी वेलकरी, इन दोनों का एक फीमेल कह सकते हो कनेक्शन होगा, यानी कि लेस्बियन टाइप का, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको बता दूं, डेडपूल 3 से रिलेटेड एक न्यूज आने वाली है बहुत ही कमाल की, और मार्वल स्टूडियो ने कंफर्म कर दिया कि ये आर रेटेड रहेगी और साथ ही साथ ये फ्यूचर में धमाकेदार मूवी होने वाली है। और रियान ने ये इमेजेस डाल के कंफर्म करा कि जल्दी से वो अपडेट देने वाले हैं डेडपूल 3 का, तो काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। टॉम क्रूज की एक मूवी थी एज ऑफ टुमारो, तो फाइनली इसका सेकंड पार्ट भी कंफर्म हो चुका है और इसके ऊपर भी काम स्टार्ट होने वाला है, और जैसे इसके रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको 100% दूंगा। माइकल, तो जेम्स गन ने अभी हाल ही में माइकल की इमेजेस डाली है जो कि सुसाइड स्क्वाड में एक मेन कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, तो उनका ये लुक लॉन्च करा है जो कि काफी कमाल का लग रहा है और उन्होंने कोई कॉस्ट्यूम भी नहीं पहना है, तो काफी अजीब सा है। मॉर्गन स्टार ने एक इमेजेस डाली है काफी कमाल की रेस्क्यू आर्मर की, जो कि उन्होंने हेलोवीन में पहनी थी, तो ये कैरेक्टर भी काफी कमाल कर रहा। जेम्स गन ने अपने हाल ही में ट्विटर अकाउंट पे कंफर्म करा कि वो गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में एक कैरेक्टर को मानने वाले हैं और उसका नाम R से स्टार्ट होता है, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जेसन मोवा का एक्वामैन का एक नया लुक लॉन्च हुआ है जो कि जस्टिस लीग में दिखाया जाना था पर ये भी डिलीट कर दिया गया, तो काफी कमाल का लग रहा है और ये वही टाइम है जब बैटमैन मिलने जाता है। जेन फॉस्टर की जो टाइमलाइन स्टोरी रहेगी थॉर 4 में वो होगी एक बीमारी से, ब्रेस्ट कैंसर से। जी हाँ, मैंने इसकी पूरी स्टोरी अपने ट्विटर अकाउंट पर डाली, आप जाके चेक कर सकती हो। और अगला अपडेट है काफी कमाल का, तो फाइनली जोया को कंफर्म कर लिया गया है कैट वुमेन के लिए, जो कि बैटमैन की एक अपकमिंग मूवी है और ये मूवी काफी कमाल के होने वाली है। और साथ ही साथ जेसन मोवा ने भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है जोया को इस कैरेक्टर के लिए। अब कैट वुमेन काफी कमाल का कैरेक्टर है और बैटमैन के यूनिवर्स का है, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और जोया एक्समैन में और आप कह सकते हो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी काम कर चुकी है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।